अभिषेक आर यू रेडी? चलो अब हमारी बाइक पे रेडी है। हाँ पर ये गाड़ी बैठी है, धक्का तो मारना पड़ेगा भाई, मैं अकेले नहीं निकाल पाऊंगा। तो भाई निकल चुके हैं अपन लोग तो, पर उनकी गाड़ी ने थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगा दिया यार, ठंडी हो गई थी जबकि मौसम भी ठंडा होने लायक नहीं था। 5-10 मिनट लेता है ये गाड़ी स्टार्ट करने में। रोड या ऑफ रोडिंग तो अपने को खूब ही मिल जाएगी। यहाँ से अपन निकल चुके हैं भाई कुंबल, इधर से कुंबलगढ़ से, और 40 किलोमीटर का शायद मेरे ख्याल से स्ट्रेच है, जिसमें हम शायद एक ब्रेक लेंगे बीच में या एक या दो कहीं पर रुकेंगे बढ़िया अगर ऐसा लगा। पर उनका बहुत मन है भाई DSLR से थोड़े बहुत कुछ फोटोज उठो उसको क्लिक करने, ठीक है तो फिर देखते हैं। फिर यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज अपने को होटल वोटल ही मिल रहे हैं, कैंप स्टेज वगैरह कम ही मिलते हैं यार यहाँ पे। मैंने देखा पीछे भी जो है जितने भी हैं सब जगह कहीं पे लोग कैंप स्टेज नहीं कराते, कुछ होगा होगा नहीं कुछ इनका ऐसा कोई सिस्टम। देख भाई सही लग रहा है भाई, मौसम तो आज भी सही है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत धूप है जो चुप रही हो अपने को, बढ़िया जा रहा है। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है यार गाड़ी वहाँ पे भी, उसके पाइप बहुत छोटा था उस होटल के अंदर, हम सोच रहे थे एक बार की वॉश करवा देते हैं, बट ठीक है जब जयपुर चल के ही वॉश होता है भाई। अपन लोग यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से 2री-3री बार आए हुए हैं बाइक राइड से, शायद 2री बार आए हुए हैं। इस बार ज़रूर हमने थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह सोचा है कि रिकॉर्ड वगैरह करते हैं और डालते हैं, देखते हैं भाई कैसा होता है। फिलहाल तो अभी रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, एडिट करेंगे फिर पता चलेगा क्या आउटपुट आता है। काम वाम तो चल ही रहे हैं भाई, सब जगह ही चल रहे हैं, उस तरफ भी चल रहे हैं वहाँ से जब ऊपर आए थे, और यहाँ से उदयपुर वाली रोड पे भी चल रहे हैं भाई। दोनों रोडें अलग अलग हैं बिल्कुल ही, और दोनों ही रोड बहुत सुंदर हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई भी रूट से आ जाओ आप, बीच में ये भी पड़ता है। यहाँ रुक ही लेते हैं भाई थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए चाय वाय मंगा लेते हैं। वो अभिषेक और वरुण खड़े हुए हैं, चाय वाय मंगा लिया इन लोगों ने। मैं यहाँ सीढ़ियों से उतर के नीचे आया हुआ था, जाता हूँ एक बार वापस फिर निकलेंगे यहाँ से। वो जो रोड देख रहे हो ना वहाँ से अपने को ये सेम रोड अपने को वहाँ से भी दिख रहा था इधर, मतलब ये एक आगे वाला कट लिया है शायद अपन ने, इसे पीछे वाला कट भी है, वही पानी है जो ये बहता हुआ जो जा रहा है यहाँ से। ये यहाँ रोड बनेगी या राइट साइड में जो ये ऊपर पहाड़ तोड़ रहे हैं ये लोग, ये वाली रोड बनाएंगे यहाँ। बनेगी तो ऊपर वाली यार, वो लगी हुई तो है मशीन, वो तोड़ रही है वो राइट साइड में। तो कुंबलगढ़ ऐसा हो जाता है मॉनसून में, इतना सुंदर लगता है यहाँ पर, आप एक राइड तो दे ही देना चाहिए सर्दियों के अंदर अपने को या मॉनसून के अंदर। क्या सुंदर नज़ारे आ रहे हैं सामने से, अच्छा लग रहा है देखने। फटाफट खींचते हैं और थोड़ा निकलते हैं आगे और फिर देखते हैं क्या है। खींच तो क्या ही पाएंगे इसके अंदर गाड़ी स्पीड ले ही नहीं सकते हैं इस पर, एक तो पैनियस और लगे हुए हैं तो क्या थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता भाई, 30-40 के ऊपर गाड़ी जाएगी। हाँ ये आगे है ना, ये मेरे ख्याल से आगे रोड ही मिलेगी अपने को अभी यहाँ पर, क्या बात।
अगली बार अपन ये कर सकते हैं कि भाई कुंभलगढ़ रुके, वो अपन एक ये 10-15-20 किलोमीटर ही पड़ता है रात में। अभी कभी कभार अपन करते हैं पार्टी वार्टी, तो थोड़ा सा एक ऑफ रोड राइड मार के रात में यहाँ पर निकल के आते हैं। यहाँ तो देख बढ़िया लग तो सुंदर रहा है, देख मज़ा आएगा। अगली बार अपन करते हैं ट्राई करने, इस बार तो चल ठीक है, अपन ने बढ़िया ही चिल किया है। वैसे तो अपनी ये जो राइड है इस बार की, इंदौर का प्लान था हमारा एमपी राइड करने का पूरा, उज्जैन ओंकारेश्वर और वहाँ पर। पर ठीक है, दिन अभिषेक के पास भी टाइम कम था, 2-3 दिन ही थे अपने पास, तो फिर यही सोचा कि एक बार के लिए अपन 2 दिन का ये राइड मार कर आते हैं। वैसे अगर अपन देखे जाए तो हर महीने अपन दो तीन राइड अपना फॉर श्योर लगते ही है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट राइड पे अपन चाहे कोशिश करेंगे कि अपन थोड़ा और रिकॉर्ड करें एक बार के लिए, और सेटअप कर देते हैं थोड़ा सा इसमें 2-4 चीज़ों का है। कि पहाड़ देख भाई सामने क्या सही दिख रहा है यार, इसके इसको फेस करते हुए कहीं अपन रोक लेते हैं गाड़ी, 2 मिनट ब्रेक लेंगे भाई, चाहिए रहेगा ब्रेक एक। यहाँ पे भी एक रिसोर्ट बना हुआ है, लोकेशन देखिए इस रिसोर्ट ने क्या ली है भाई, क्या सही लोकेशन ली है उसे। सामने फुल पहाड़ है, अगली बार कोशिश करते हैं अपन इसी किसी पैच के अंदर रुकने की, ट्राई करते हैं भाई। देखो भाई क्या लगता है मानसून में यार, ये कुंभलगढ़ से उदयपुर का रास्ता कहाँ यहाँ पे ले रहे हैं, ये वाले ले, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे अपन, थोड़ा ही यहीं पे आसपास ही कहीं देख लेते हैं ना निकलेंगे, क्योंकि अब बचा नहीं है कुछ, 10-15 मेरे ख्याल से 15-10 किलोमीटर ही बचा हुआ है। फोटो तो कुछ निकाल लेते हैं थोड़े बहुत एक बार के लिए। रोड वोड बनी हुई है यहाँ पे, लगता है गांव वाँव है पहले जैसे। यहाँ रुक रहे हैं, नजारे दिखा दूं थोड़े से। क्या सही जगह हो गया, ये देखो ये है वो, ओए फटाफट निकलेंगे यहाँ से, बस 15 मिनट रुकते हैं चलते हैं। इस बार कहाँ रुकेंगे अपन, उदयपुर में सिटी में ही रुक जाते हैं इस बार, क्या बोलते हैं। पिछली बार हम लोग उदयपुर आए थे तो हम एक बार तो पहले फर्स्ट स्टॉप जब हमारा नाथद्वारा से उदयपुर में हुआ था तब तो हम बाहर रुके थे, फिर हम वहाँ से माउंट आबू जाके कुंभलगढ़ होते हुए फिर हम उदयपुर सिटी के अंदर लेक साइड में रुके थे। इस बार भी अपन ट्राई करते हैं कि लेक साइड ही रुकेंगे अपन भाई, एक दिन का ही होल्ड है अपन, नहीं तो 2 दिन रुकते तो हो सकते हैं थोड़ा सा बाहर भी देख सकते हैं। चेक इन कर लिया है हमने, ये रूम है हमारा,
वॉशरूम है, पूरा पत्थर का बेड है, सिर्फ गद्दे हैं ऊपर सॉफ्ट। ये इन्होंने एक थोड़ा सा एक स्टूडियो टाइप का कुछ दे रखा है, सीधा लेक लाल घाट के पास ही एकदम लेक पे हो गया। आज यहीं चिल करते हैं शाम को।